हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा पे में आपका स्वागत है। तो गाइस, अब वोटिंग लाइंस खुल गई है तो सिर्फ वोटिंग ही वोटिंग चल रही है। तो किसको कितने वोट मिले हैं और कौन है नंबर एक पर और कौन है नंबर दो पे, जी हाँ तीन नॉमिनेशन हो चुके हैं। तो किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको कम वोट मिल रहे हैं, किसको कम वोट मिल रहे हैं, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो क्या गणित लगाया जा रहा है, कटारिया शिवानी विशाल बिग बॉस से किसका होगा पत्ता साफ? जी हाँ दोस्तों, आप बताएं किसका होगा पत्ता साफ, आपको क्या लगता है, हम आपका भी विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी पूरा सीज़न OTTT का आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? बिग बॉस OTT 3 में 9 लोग बचे हैं और 3 के सिर पर नॉमिनेशंस की तलवार लटक रही है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शो से अब किसका पत्ता साफ होगा। बिग बॉस OTT के घर में अब कौन कौन बचे हैं, वो लोग घर में हैं अरमान, कृतिका, रणबीर शोरी, सना मकबूल, लवकेश, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, साई नेजी, ये सारे लोग बाकी हैं। एविक्शन के लिस्ट में हैं जो 3 लोग हैं, उनका नाम है कटारिया, विशाल, शिवानी। बिग बॉस ने एक पोस्ट किया है, इसमें पूछा है कि इस हफ्ते किसका एविक्शन हो सकता है। इस पर कई लोगों का जवाब आता दिखाई दे रहा है और फिनाले का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस हफ्ते 3 लोगों पर नॉमिनेशंस की तलवार लटक रही है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और सोशल मीडिया पर माहौल बनने में लगा हुआ है, लोगों ने अपना अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। कोई बोल रहे हैं विशाल जाएगा, कोई बोल रहे हैं शिवानी जाएगी। अब भाई ये लोग तो अपना गणित लगाएंगे और हम भी सोच विचार करते रहते हैं कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। कई लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस फिनाले में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है तो फिर से डबल एविक्शन हो सकता है। देखिए सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में किस पर खतरा की तलवार लटक रही है, हो सकता हो विशाल और शिवानी को दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो विशाल और शिवानी ही सबसे ज़्यादा खतरे में है। एक सोशल मीडिया हैंडल से कमेंट से आया है कि सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, 2 एविक्शन हो सकते हैं। एक ने लिखा है इस हफ्ते शिवानी एविक्ट हो जाएगी और एक ने लिखा है बाय बाय भाभी लवर विशाल पांडे। एक और कमेंट में शिवानी का नाम है, एक ने लिखा है शिवानी कुमारी या विशाल, एक कमेंट है कटारिया और विशाल सेफ हैं, एक और दर्शकर ने लिखा है शिवानी जाएगी, वहीं दूसरे कमेंट में विशाल पांडे का नाम गेस किया गया है। कई लोगों ने शिवानी के नाम लिखे हैं, वहाँ एक यूज़र ने यह भी लिखा है कि वोट के हिसाब से विशाल जाएगा लेकिन मेकर्स चाहेंगे तो बदल देंगे। एक ने लिखा है विशाल ही जाएगा क्योंकि उसे कम वोट मिले हैं। रणबीर ने अरमान को बचाया, बता दें कि अरमान मलिक पूरे सीजन के नॉमिनेटेड थे। बिग बॉस ने रणवीर शोरी को किसी एक को नॉमिनेशन से बचाने का पावर दिया, उन्होंने अरमान मलिक को नॉमिनेशन से बचाया। तो गाइस ये तो बहुत गलत है जो रणवीर शोरी ने किया और जो बिग बॉस खेल रहे हैं, ये गेम ही गलत है। जब आप अपने ही मतलब जीप से पलट रहे हो, जब आपने बोल दिया था कि भाई पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है, तो आप कैसे ये पावर दे सकते हो रणवीर शोरी को कि भाई आप अरमान को बचा सकते हो या आपको उसको मतलब खुद ही मेकर्स चाहते हैं अरमान रहे आखिरी तक, इसीलिए उन्होंने बोला, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी भैया, वो तो पहले से ही नॉमिनेट था तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो गाइस आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं नई अपडेट और नई वीडियो के साथ में। वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और विशाल और शिवानी में काफ़ी कांटे की टक्कर के मुकाबला चल रहा है। कभी विशाल को ज़्यादा वोट्स हो जाते हैं, कभी शिवानी को हो जाते हैं। तो भाई कल आज रात 10 बजे तक वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं या कल सुबह तक 10 बजे तक खुली हुई हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। मैं शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, हो सकता हो शिवानी भी सेफ हो जाए और नॉमिनेशन ये जो एविक्शन है वो कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।